मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड क्षेत्र के बेहट उत्तरी गांव के वार्ड संख्या 4 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से किसान के भंडार गृह में आग लग जाने से लाखों का अनाज जलकर खाक हो गया। मामला किसान कुशेश्वर राउत पिता वासुदेव राउत के भंडार घर में अचानक करीब 4:30 बजे सुबह में आग लग गया, जिससे भंडार घर में तैयार करने के लिए रखे गए गेहूं की सैकड़ों बोझा गेहूं सहित अन्य फसल जल गया। पीड़ित किसान के 4 बीघे में उपजाया गया गेहूं की फसल, 1 क्विंटल से ज्यादा मसूर, तिलहन सहित कपड़ा एवं भंडार गृह में रखे गए अन्य तैयार फसलें जलकर राख हो गए। घटना उस वक्त की है जब किसान अपने घर में सो रहा था। गृहस्वामी को आग लगने की जानकारी जब तक हो पाती तब तक सारे फसल जलकर राख हो चुके थे। पीड़ित किसान का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जब तक घर के सदस्य को पता चल पाता तब तक भंडार गृह में रखी सारे फसल सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया। फायर ब्रिगेड कर्मी दमकल के गाड़ी के साथ सूचना पाकर घटनास्थल पर आकर आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करती रही, जिसको स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने में घंटों लगा। लेकिन जब तक किसानों के द्वारा खेत में खून पसीना से सींच कर उगाए लाखों की फसल जलकर खाक हो गए। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। 4 के आसपास देखते हैं कि खूब धुआं हो रही है। उठे हम लोग, विद्यालय जाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे, तो इधर देखे बहुत आग लगी थी और भयंकर आग लग गई थी। बाद में पता चला कि शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है आग, और इतनी आग थी कि बेकाबू हो गई। ग्रामीण सबको बुलाया गया उस रात भोर में, तो लेकिन फिर भी देखे वो नहीं संभलने पा रहा है। तो हम लोग ने अग्निशामक को फ़ोन किया, तो अग्निशामक फ़ोन करते ही वो आधा घंटा के अंदर में वो अपने लेके आ गए और उनके वक्त से पहुँच गए थे और आग पर वो उन्होंने काबू आधा एक घंटा वो भी रहे और पूरा काबू पाया। क्या क्या जला? हमारा गेहूं जो था पूरे 4.5 बीघा के आसपास का गेहूं रखा हुआ था, और दलहन फसल तैयार थी, तिलहन भी तैयार थी, 2.5 क्विंटल वो भी चला गया। मसूर था, उसके बाद खेसारी था, और दलहन तिलहन में था उनका तीसी भी था। भंडार घर था, सब यही रखा हुआ था, वो सब जल गया। और एक साइकिल भी थी वह भी जल गया, और फर्नीचर सभी जल गया है, और जो मकान है 3 मकान को क्षति पहुंची है। एस्बेस्टस जल गई है, उसका बीम जल गया है, और बिजली का जो इतना था मीटर वगैरह सब जल के राख हो गया है। अब देख सकते हैं टोटल आकलन।